प्रिय भक्तिगणों, मैं आज आपके दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको आपकी राशि से संबंधित विभिन्न उपाय बताने जा रहा हूँ। वो सभी उपाय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे अगर आप उन उपायों को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ आपको आज बताने वाला हूँ कि जो व्यक्ति अपनी संतान यानी नालायक संतान से परेशान है, या जिन व्यक्तियों की संतान का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, या जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन संतान को कैसे उनके मकसद में, ध्येय में, कैरियर बनाने की तरफ मदद की जा सकती है, और ये सभी राशि वालों के साथ बताऊंगा मैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य ही देखते रहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी के ग्रह गोचर और नक्षत्र सितारों का मापदंड बताने के लिए, क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर और सितारे। आइए सबसे पहले आसमान में उपस्थित विभिन्न ग्रहों की स्थितियों पर नजर डालते हैं, जिसमें मंगल देवता अपनी स्वयं के घर में मेष राशि में विराजमान है, राहु महाराज वृष राशि में विराजमान है, चंद्र देवता केतु महाराज के साथ वृश्चिक राशि में विराजमान है। यहाँ राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, उल्टा घूमते हैं। सूर्य देव और शुक्र देवता दोनों ही धनु राशि में विराजमान है। बृहस्पति देवता नीच के होकर मकर राशि में विराजमान है। शनि महाराज अपने ही घर यानी मकर राशि में विराजमान है, और बुध देवता भी मकर राशि में ही विराजमान है। यहाँ बैठकर ये सभी ग्रह हमारे अपने अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर हमें समय समय पर दंडित करते हैं या आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आपको कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति अपने बुरे ग्रहों के कारण किसी भी वजह से परेशान है, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो परेशानी ग्रहों से डायरेक्ट कनेक्टेड ही होगी, क्योंकि परम पिता परमात्मा की मर्जी के बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो 100 बार सोचिएगा, परम पिता परमात्मा अपने दूतों के माध्यम से आपके हर अच्छे और बुरे कर्मों पर नजर रख रहे हैं, तो क्यों करें ऐसे पाप कर्म जिनका दंड अंततः हमें ही भोगना पड़े। फिर भी जो लोग भूल चूकवश किसी पाप कर्म में संलिप्त रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने अच्छे कर्मों से अपने पाप कर्मों को काट सकते हैं। इसमें मदद करने के लिए मैंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उस मोबाइल ऐप पर डाउनलोड करके अपनी परेशानियों के लिए या अपने पापों के प्रायश्चित के लिए छोटे से उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। फ्री ऐप है ये, आप इसकी मदद ले सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं आज के पंचांग पर, एक छोटी सी नज़र। आज है 9 जनवरी सन 2021, विक्रम संवत 2077। परम पिता परमात्मा जो आज आपके लिए और मेरे लिए जो अपने द्वार खोलकर बैठेंगे, वो समय रहेगा 4:21 से लेकर 5:50, ये सुबह का समय है। तो इस समय विशेष पर परम पिता परमात्मा को सैल्यूट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उनका कोशिश करिएगा चिंतन मनन करके स्मरण करें। साथ ही साथ आज का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, वो समय है 12:08 से लेकर 12:50, ये दिन का समय है। ये किसी भी शुभ कार्य के लिए है, जबकि कोई भी व्यक्ति जो जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं षटकर्म इत्यादि करते हैं, उनके लिए जो समय रहने वाला है वो 1:48 से लेकर
3:06 ये दोपहर का समय है, या फिर सुबह 9:52 से लेकर 11:11 तक का समय है। इस समय पर शुरुआत कर सकते हैं अपने इस प्रकार के कर्मों के लिए। तो चलिए और अधिक समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज के मेष राशि वाले व्यक्तियों के राशिफल के साथ। मेष राशि वाले व्यक्तियों, धीमे धीमे ताकत का अभूतपूर्व संचार आपके अंदर होता हुआ महसूस करेंगे आप लोग, क्योंकि जैसे जैसे मंगल जो ग्रह हैं आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होंगे राशि के मालिक बनकर, वैसे वैसे उनके शुभ फल आपको और अधिक प्राप्त होने लगेंगे। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करते रहिए मेष राशि वालों। क्या जाता है पूरी जिंदगी भर, अगर आप मंगल देवता को प्रसन्न कर पाए तो उन्होंने तो आपको इतनी खुशियां प्रदान कर देनी कि आपकी लाइफ के सारी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ हो जाएंगे अकेले मंगल देवता ही। बाहुबल से भरे हुए हैं, जमीन जायदाद और संपत्तियों के मालिक होते हैं, गाड़ियों के मालिक होते हैं, इनके होने से भय का संचार नहीं होता। तो उनके तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करना और मूंगे की मंत्र सिद्ध अंगूठी पहनना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, बशर्ते वो प्रॉपर तरीके से मंत्र सिद्ध की गई हो। चाहे तो ये अंगूठी आप हमारे यहाँ से अपने नाम की पूजा कराकर, स्पेशल पूजा कराकर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं उन सभी नालायक संतानों के बारे में जो अपने माता पिता का बारंबार अपमान करते हैं। ऐसी संतानों को अपने प्रेम के वशीभूत दोबारा से करने के लिए आप बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर हमसे संपर्क करके छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग निर्धारित होते हैं, उन उपायों को करने से आपके और आपकी संतान के मध्य में दोबारा से प्रेम संबंध जागृत होंगे। चाहे आपके संतान की उम्र 15 साल है या 55 साल, या फिर खून का कोई सा भी रिश्ता है, यानी भाई बहन के बीच का रिश्ता, पिता पुत्री, पिता पुत्र के बीच का, माता बेटी और या माता बेटे के बीच का जो रिश्ता है, या फिर पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय करके। तो आप लाभ उठाइए इन उपायों का वीडियो कॉल पर चर्चा करके हमसे, और इन उपायों को घर बैठे हमारे यहाँ से अपने नाम से स्पेशली बनवा कर और स्पेशल पूजा करा कर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ एक यात्रा की संभावना की जो आपके साथ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो भी करें सोच समझ कर करें, एक्सीडेंट वगैरह से बच कर रहें हमेशा। और आपका जीवन साथी निश्चित रूप से आपके भाग्य में बैठकर आपको मदद करता हुआ नजर आ रहा है। कार्यस्थल के हालातों में क्योंकि शनि देव जी और बुध देवता दोनों ही मदद करेंगे तो नौकरी और व्यापार के हालात अनुकूल रहेंगे। हालांकि वहां पर बैठे हुए बृहस्पति देवता आपको थोड़ी सी परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं, तो बृहस्पति देवता के भी आप थोड़ा सा उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि बृहस्पति देवता की अंगूठी अगर आप पुखराज की अंगूठी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर धारण करेंगे तो निसंदेह आपके भाग्य में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। और शनि महाराज की कृपा दृष्टि बनी रही तो आमदनी और कर्म स्थल यानी जॉब और व्यापार और आमदनी तीनों ही भरपूर आपको प्राप्त होंगे। जरूरत है इनसे संबंधित छोटे छोटे उपाय करके, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करके लाभ उठाने की। बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में तो यहां पर मैं आप मुझे आपके प्रेम संबंधों में एक भाग्य में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके नौकरी प्रमोशन इंगेजमेंट जैसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है, उसमें आपके जो प्रेम संबंध जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपकी अवश्य ही मदद करेंगे। तो इस समय का फायदा उठाकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपने परिवारजनों से उलझने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्तियों क्रोध को कंट्रोल करें। मंगल देवता आपके क्रोध के खाने में बैठकर आपके क्रोध में वृद्धि प्रदान करेंगे, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, टिश्यूज की प्रॉब्लम हो सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें और गलती से भी पुलिस वालों से झगड़ा करने का प्रयास न करें, उनको अपमानित करने का प्रयास न करें, वरना आपको भयंकर दंड भोगना पड़ सकता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में। जिन स्टूडेंट्स का मन
अभी तक पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा था, वो धीमे धीमे करके पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और निश्चित रूप से वो अपने भाग्य को बनाने में समर्थ होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर। किंतु जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको निराशा की सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे सभी युवक युवतियों से मैं एक ही बात कहता हूँ, भाई आप सरकारी नौकरी की तैयारी तो कर रहे हैं तो एक बार जन्म कुंडली तो दिखा लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। वरना आप अपनी 4-5 साल की मेहनत खाली सरकारी नौकरी में जाया कर देंगे, अपने घर वालों का कीमती जो संसाधन है उनको इस नौकरी पाने में खराब कर देंगे, अंततः हाथ कुछ नहीं लगेगा अगर आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। तो उसके लिए आप जन्म कुंडली दिखा लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करिए, छोटा सा उपाय करके आप लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके जीवन साथी के बारे में, तो उनके क्रोध से बचने का प्रयास करें। उनके साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, किंतु उनका क्रोध, उनके लड़ाई झगड़े से आप बेहद सावधान है वरना आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। भाग्य की बात करूं तो भाग्य के देवता शनि महाराज अपने राह के भाग्य में बैठकर आपको लाभ पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। किंतु अगर आप, अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके राशि के जो मालिक हैं शुक्र देवता, वो खराब होकर अष्टम हो गए तो आपकी बदनामी भी करा सकते हैं और आपको परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं। तो उन किसके राशि रत्न की अंगूठी, क्योंकि अभी इनकी स्थिति काफ़ी समय पर यही रहने वाली है, तो इनके राशि रत्न की अंगूठी धारण करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, हमेशा ही लाभदायक रहेगा चाहे वो कहीं भी क्यों ना बैठे हों। यानी अपने राशि रत्न की अंगूठी, अगर आप वृष राशि वाले हैं तो अपने राशि रत्न की अंगूठी मंत्र सिद्ध कराकर धारण करेंगे और साथ में अगर भाग्य के रत्न की और आमंदी के रत्न की भी अंगूठी के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे तो अवश्य आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती रहेगी। उनके लिए उपाय जरूर कीजिएगा, गलती से भी किसी धर्मगुरु का अपमान करना आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है, तो किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान मत करना वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ मैं बात करता हूँ आपके कार्यस्थल की, तो आप अपने भाग्य की वजह से अपने कार्यस्थल पर भी लाभ होता हुआ स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। और प्रेम संबंधों के बारे में चर्चा करूं तो आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आप उन खुशियों से ओतप्रोत होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहां बात करूंगा मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की, चिंताएं आपके दामन में गांठ बांधकर 2021 तक तो बंधी रहेंगी, तो यहाँ उस चिंताओं से दूर करने के लिए आपको एक तो राहु की अंगूठी और एक पन्ने की अंगूठी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित तो जागृत कराकर धारण करनी ही है। भाग्य के रतन की, क्योंकि भाग्य भी यहाँ अष्टम हो गया तो उसके रतन की भी अंगूठी पहनेंगे तो आपको बेहद लाभ होगा, कोई कमी मत छोड़िए। ये मनुष्य जीवन है, बार बार नहीं मिलता, आप हजारों रुपए अपने कपड़ों पर खर्च कर देते हैं, अपने बूटों पर खर्च कर देते हैं, ब्रांडेड बूटे ब्रांडेड लाइफ स्टाइल बनाने में खर्च कर देते हैं। अरे कभी भाग्य को बनाने के लिए भी कुछ करके देखो, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाते हैं। अरे हम तो आपको बिना डॉक्टरों के चक्कर लगाए आपको इतना मजबूत कर देंगे कि बीमारियां आपसे डर के दूर भागेंगी। उपाय तो करिए, छोटा सा उपाय, मगर नहीं, आपकी लाइफ स्टाइल में हमारे जो सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने जो घनघोर तपस्या के बल पर कुछ फॉर्मूले ईजाद किए थे, अगर मदर टेरेसा के कुछ करने से किसी को लाभ हो गया तो उनको वहां पर एक संत की उपाधि दे दी जाती है। अगर हजारों लोग हमारे लिए वीडियो बनाकर भेजते हैं कि आपने हमारे लिए ये किया था उससे हमको बहुत लाभ पहुंचा, मगर हमारे देश में हम संत तो बहुत दूर की बात है, हमारी तरफ कोई गौर ही नहीं करता परमपिता परमात्मा के अलावा या आप जैसे परेशान व्यक्तियों के अलावा। ना सरकार को हमारी परवाह है, जबकि इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं आप लोगों की जब अंगूठियां बनती है तो उन अंगूठियों पर जीएसटी भी देते हैं और बाकी के टैक्सेस तो आपको पता ही है, कोई भी चीज खरीदेंगे टैक्स तो देने ही देने लाइफ में, लेकिन जब अच्छा करने की बारी आती है तो कोई नहीं करता। तो हजारों वीडियो के बाद आज हमें संत की उपाधि नहीं मिल सकती, और अभी हमारे जीवन काल में जितने भी दिन शेष हैं तो नित्य प्रति एक दो वीडियो जब आने लगे हैं लोगों से कि हमें फायदा हुआ, हमने ये उपाय किए थे, तो लोग अपने अपने वीडियो बनाकर भेजते हैं, तो देखते हैं कब अमेरिकन गवर्नमेंट हमको भी याद करे। चलिए एनीवे, मजाक कर रहा था मैं आप सभी से। तो यहां बात करना चाहता हूं आप स्टूडेंट्स के बारे में, तो जो स्टूडेंट यहां पर अपने कैरियर को फोकस करके आगे बढ़ेंगे
अपने अगर आप शादीशुदा तो जीवन साथी की सलाह मानकर भी आप कैरियर की तरफ फोकस कर सकते हैं, अपनी स्टडी के लिए गाइडेंस ले सकते हैं, तो आपको लाभ होगा। और अगर बात करता हूँ मैं ऐसे युवक युवतियों की जिनका पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता, मालूम है इनकी परसेंटेज 95% है इन लोगों की, कि 95% लोगों का पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता, माँ बाप को परवाह नहीं है, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, उपाय नहीं कराएंगे, जो मैं गारंटी देता हूँ, लिख के गारंटी देता हूँ कि आपको अवश्य फायदा होगा, अवश्य ही आपके हर साल पहले से ज़्यादा नंबर आएंगे, अवश्य ही आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, उन स्कूलों पर विश्वास करेंगे जो पढ़ाते लिखाते कम है, बिगाड़ते ज़्यादा है। अरे आप बड़े बड़े स्कूलों की बात कर लीजिए, कितने परसेंट लोगों के वहाँ पर, मतलब उस पूरे स्कूल में अगर मान लीजिए 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो कितने परसेंट बच्चों के नंबर 95% से ज़्यादा आते हैं, तो पूरे 1000 बच्चों में से अगर आप टोटल देखेंगे तो मुश्किल से 60-70 बच्चे निकलेंगे जिनके 95% से ज़्यादा नंबर आते हैं अपनी क्लास में, ठीक है, तो बाकी के 930 बच्चे तो पिछड़ जाएंगे, माँ बाप स्कूलों के पीछे भाग रहे हैं, स्कूलों का नाम पढ़ाओ, बच्चों की इंटेलिजेंसी के पीछे नहीं भाग रहे कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट कैसे बने। और जब हमारे सनातन धर्म में इस तरह के वैदिक उपाय हैं तो उनका लाभ क्यों नहीं उठाते हैं। हाँ अगर यहां पर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर कह दे कि लाओ मैं इंजेक्शन लगा देता हूं तुम्हारा बच्चा इससे इंटेलिजेंट लग जाएगा बन जाएगा, तो जरूर लगवा लेंगे, जबकि वो डॉक्टर अपने लिए हमारे पास ही आता है कि मेरे को सुपर स्पेशलिटी की तैयारी करनी है या मुझे एमडी की तैयारी करनी है, मेरे को एमडी क्लियर हो जाए या एमडी में एडमिशन मिल जाए, तो उसके लिए गुरुजी आप कुछ उपाय कर दीजिए, तब बहुत बड़ी हैरानगी होती है। और जब भी ये डॉक्टर भी दवाई देते हैं तो भगवान के नाम पर ही देते हैं, तभी तो हर डॉक्टर की पर्ची के ऊपर आरएक्स लिखा होता है, आरएक्स का मतलब मैं भगवान के नाम पर आपको ये दवाई देता हूँ। एनीवे लेट देम डू। सो नाउ मतलब यहाँ मैं बात करना चाहूँगा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की अत्यंत आवश्यकता, आपके शत्रु आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करने के अलावा आपको नुकसान पहुँचाने के लिए हर उपाय करेंगे, अपने शत्रुओं से सावधान रहें, अगर नहीं रह पा रहे तो आप बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठाएं, जीवन साथी जो है आपका उसके साथ आपके संबंधों में रोमांस के इनपुट बढ़ेंगे, हालांकि उसका अपना ग्रह ठीक ना होने की वजह से आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, मगर जो लोग शादीशुदा नहीं है तो उनके लिए नए नए रिश्तों की बरसात होती हुई नजर आ रही है। और जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व हैं, जो मिथुन राशि वाले हैं, अगर मौके पर चौका मारे तो अपने प्रेम संबंधों को इस समय शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपके भाग्य की बात करूं तो भाग्य के देवता को मजबूत करने के लिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया है नीलम रतन की मंत्र सिद्ध, गलती से भी बिना जन्म कुंडली दिखाई नीलम या कोई भी रतन नहीं पहनना है, किसी ज्ञानी व्यक्ति को दिखाइएगा, लोग आंखों के सामने रख के देखते तो जरूर है, उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन सी उंगली में कौन सी अंगूठी पहनाई जाती है, कौन से हाथ में कौन सी उंगली अंगूठी, उंगली में कौन सी अंगूठी पहनाई जाती है, वो नीलम और पुखराज को भी एक ही हाथ में पहना देते हैं, मरेगा तो कौन मरेगा जो पहनने वाला है, उस उनका क्या जाएगा, बर्बाद होगा तो जो पहनने वाला है, उस एस्ट्रोलॉजर का तो कुछ नहीं जाएगा जिसे ज्ञान नहीं है। तो आप अपने जीवन में जो भी करें सोच समझ कर करें, लाभ उठाने का प्रयास करें, मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला आपको अभूतपूर्व लाभ प्रदान करेगी, मगर बृहस्पति देवता के भी तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला नित्य प्रति करना आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ क्षण लाएगा जब आप कैरियर के हाईएस्ट मुकाम पर पहुंचेंगे। तो नित्य प्रति बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला विधि विधान के साथ करिए, विधि विधान घर बैठे हमसे प्राप्त कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में जाकर। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्ति देखिए जो हालात हैं वो आपके लिए यही कह सकता हूँ कि आपकी स्टडी के लिए बढ़िया है, कोई यात्रा की संभावना भी बना रहे हैं स्टडी के केस में, एजुकेशन के सिलसिले में, लेकिन थोड़ा सावधान रहें, कोई प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है, आपका मन भी निश्चित रूप से उसको करने से दुखी होगा। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी युवक युवतियों के बारे में जो नई नई मैरिड लाइफ में घुसे हैं, 4-5 साल हो गए उनकी लाइफ को, संतान के लिए परेशान हैं, डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं मगर संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, 5 साल हो गए किसी को दवाई खाते हुए, किसी को 4 साल हो गए इलाज कराते हुए मगर संतान नहीं मिल रही है, किसी को तो मिसकैरेज की प्रॉब्लम है
और किसी को संतान यानी गर्भ धारण ही नहीं हो रहा। तो जब आप दवाओं से थक जाएं या जहां दवाओं की लाइन खत्म होती है, दवाओं की सीमा खत्म होती है, जहां इलाज की एक सीमा आ जाती है कि इसके बाद कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, तब एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है। तब आप एस्ट्रोलॉजी की शरण में जरूर आना और चमत्कार देखना एस्ट्रोलॉजी का। अगर परम पिता परमात्मा ने आपकी कुंडली में 1% भी संतान प्राप्ति का योग बनाया है तो वो 1% कैसे 101% में बदलता है, वो आप चमत्कार देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। और घर बैठे ही आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली पर हमसे चर्चा कर सकते हैं दोनों मियां बीवी, और लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहता हूं, कार्यस्थल पर आपको निश्चित रूप से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, कार्यस्थल के मालिक आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका फायदा उठाइए। भाग्य के देवता खराब होने की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, तो भाग्य के देवता के लिए भाग्य के देवता की मंत्रों की एक माला और उनकी एक अंगूठी अपने राशि रत्न की अंगूठी के साथ अवश्य धारण करके लाभ उठाइएगा। यहाँ आमदनी में कुछ उलझने हो सकती है तो आमदनी के देवता की मेहरबानी भी लेते रहिएगा, उनकी रतन की अंगूठी पहनकर आमदनी में वृद्धि करने का प्रयास करिएगा, अवश्य फायदा होगा। अगर वो अंगूठी प्रॉपर किसी योग्य व्यक्ति द्वारा मंत्र सिद्ध है, ऐसी अंगूठी घर बैठे आप हमारे यहाँ से अपने साइज की बनवाकर अपने नाम की पूजा करवाकर पूरी दुनिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं। और बात करता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सा मन का दुखी होना निश्चित रूप से लिखा हुआ है, सावधान रहें, सतर्क रहें, आपको परेशानी हो सकती है मानसिक रूप से। तो अपने प्रेम संबंधों में खुशियां लाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय आप हमसे चर्चा करके कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। हम अवश्य ही प्रेम संबंधों में हो रही आपकी निराशा को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए आपको कोई बकरों की बलि नहीं देनी है, मुर्गों की बलि के नाम पर या उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपाय आपके जीवन में अभूतपूर्व खुशियां ला सकते हैं किसी भी परेशानी में, आप करके तो देखिए। यहां मैं बात करना चाहता हूं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आप अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करिएगा। हालांकि आपका अपना ग्रह आपके लिए खुशखबरी लेके आ सकता है, नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, मनचाहा ट्रांसफर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त हो सकती है, सूचना को मेटलाइज करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर माता के साथ झगड़ा करने का प्रयास मत करिएगा, माता के साथ एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है, किंतु शत्रुओं से अवश्य सावधान रहें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शत्रु और आपका स्वास्थ्य दोनों ही आपके लिए घातक हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको सचेत करूंगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर शादीशुदा नहीं है तो आपके जो शादी के संबंध में चर्चा चल रही थी, रिश्ते की बात चल रही थी, वो खराब हो सकती है, इसके प्रति सावधान रहें। और क्योंकि आपको परेशानी हो रही है आपका ग्रह मजबूत न होने की वजह से, तो अपने भाग्य के रत्न की और राशि के रत्न की अंगूठी जीवन भर धारण करें, साथ ही साथ बृहस्पति देवता को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों की एक माला नित्य प्रति तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला विधि विधान के साथ करना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। भाग्य के देवता आपके ऊपर मेहरबान है, उनका आशीर्वाद लेते रहिएगा, किंतु कर्मस्थल पर यानी नौकरी और व्यापार में उलझने और परेशानियाँ आपको आ सकती हैं। साथ ही साथ आपके लिए बुरी सूचना है कि आपके जो शत्रु हैं वो आपके घर पर और आपके कार्यस्थल दोनों ही जगह पर आपको हानि पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसे शत्रुओं को बांधने के लिए आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। हम अवश्य घर बैठे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हम घर बैठे आपको इतना मजबूत कर देंगे कि आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे छोटे से वैदिक उपायों से। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंधों के बारे में कहना चाहूँगा कि आपके प्रेम संबंधों में कुछ खुशियाँ जरूर इन्वॉल्व हो सकती हैं, किंतु अंततः जो खुशियाँ हैं वो नए प्रेम संबंधों की वजह से आएंगी, नई इन्वॉल्वमेंट की वजह से आएगी। तो अपने प्रेम संबंधों में जो पुराने प्रेम संबंध हैं उनको कायम करने बनाए रखने के लिए, जो खराब हो रहे हैं रिश्ते उनको मजबूत करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आप हमसे चर्चा करके जान सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। यहां मैं बात करना चाहता हूं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, मगर साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा
कि बहुत समय से मैं बार बार आपको कहता हूं, मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे आप अपने दुश्मनों को कंट्रोल कर सकते हैं। हनुमान बाबा का वो मंत्र है। मगर होता क्या है, जब मैं राशिफल पर आप जो राशिफल का जिक्र कर रहा होता हूं तो सब कुछ भूल के राशिफल की इस पेज पर खो जाता हूं या इन पेजों पर खो जाता हूं और इनके माध्यम से आपको राशिफल पढ़कर बता रहा होता हूं। जो कुछ लिखा हुआ आप खुद ही देख सकते हैं क्या लिखा हुआ। तो जब मैं इनमें खो जाता हूं तो फिर मुझे जब राशिफल खत्म होता है तभी खत्म हो चुका होता है और मैं बंद कर चुका होता हूं तब ध्यान आता है, अरे मैंने तो हनुमान बाबा के मंत्र का बात करी थी मगर वो बात तो मैंने इन लोगों को बताई नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैंने कहा आप भी लोग भी कहते होंगे कि गुरुजी रोज कहते हैं मगर बताते कभी नहीं है। तो आज परमपिता परमात्मा की हनुमान बाबा की असीम कृपा से दो लाइन का एक छोटा सा मंत्र बताता हूं आपके शत्रुओं के लिए कि कैसे घर बैठे आप हनुमान बाबा को प्रसन्न करके धूप दीप जलाकर हनुमान बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर अपने शत्रुओं का ध्यान करते हुए उन पर वो मंत्र फेंक सकते हैं। विधि विधान नहीं दूंगा, मैं एक सिर्फ मंत्र बताना चाहूंगा। वो मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय ठम 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 शत्रु सारकाय फट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय ठम 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 सर्व शत्रु सहारकाय फट स्वाहा। आप इस मंत्र को अपने शत्रुओं का ध्यान करते हुए उनके ऊपर फेंक सकते हैं और अपने शत्रुओं को दंडित कर सकते हैं जो आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं। यह केवल उन्हीं शत्रुओं पर काम करेगा जो आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, वरना यह मंत्र काम नहीं करता है। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, ये वीर बजरंग बली हनुमान बाबा का मंत्र है। थोड़ा सा विधि विधान है जिसकी चर्चा मैं आगे फिर कभी आपसे अवश्य करूंगा। तो बात कर रहा था मैं यह कन्या राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। तो कन्या राशि वाली व्यक्तियों, आपके जीवन में आपके भाग्य के देवता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके राशि के देवता के साथ साथ। तो आपको बुध देवता की यानी पन्नी की अंगूठी और राशि के देवता यानी शुक्र देवता की हीरे की अंगूठी। और क्योंकि 2021 तक आप राहु महाराज भी बैठेंगे तो राहु महाराज की भी अंगूठी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर इन तीनों अंगूठियों को धारण करके तो देखिए फिर इनके चमत्कार देखना, बशर्ते किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ मंत्र सिद्ध की गई हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध की गई अंगूठियां घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं अवश्य आपकी मदद करूंगा। यहां पर मैं बात करता हूं भाई बहनों के साथ झगड़ा करने का प्रयास ना करें, उनके साथ एक यात्रा की संभावना बनती नजर आ रही है। माता के आशीर्वाद से नौकरी प्रमोशन इंगेजमेंट इंटरव्यू में सफलता कंपिटेटिव एग्जाम में सफलता की सूचना प्राप्त हो सकती है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काम मेहनत करने का, पढ़ेंगे लिखेंगे सब काम आने वाला है इस समय, लग जाइए मेहनत करने पर। माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो भी लाभ और अधिक होगा और वही सब एग्जाम में पूछा जाएगा जो आप पढ़ के गए आज या इन दिनों पढ़ रहे हैं। तो आप इस बार मेहनत करके अपना करियर बनाने का प्रयास करें और अपने घर वालों का अपने माता पिता का नाम रोशन करें। देखो मेरे पिताश्री एक बात मुझसे कहा करते थे, जो बात मैंने गांठ बांधी है पूरे जीवन में, उनका कहना था जीने के लिए खाओ खाने के लिए मत जियो। छोटी सी बात है मगर बहुत गहरी है और ये बात जब मैंने अपने जीवन में अपनाई, मैंने जब भी खाया जीने के लिए खाया, यानी घर से निकलता हूँ चाय पीकर और 2 बिस्कुट खाकर निकलता हूँ, सीधा दोपहर में लंच करता हूँ, जो भी घर से बांध के लाता हूँ वो लंच में खा लेता हूँ, शाम के समय यानी रात्रि के समय सीधा घर जाकर जो बना मिल जाता है वो खाता हूँ, इसके अलावा इधर उधर मुँह मारना
की आदत नहीं है, देखने की आदत नहीं है। बहुत रेयर केस में कोई बहुत मजबूरी के कारण ही कुछ खाता होगा। मैं चाय भी दोबारा नहीं पीता, मैं दूध भी नहीं पीता। मैंने अपनी जरूरतों को इतना कम कर दिया खाने पीने से संबंधित कि मैं सिर्फ जीने के लिए खाता हूँ, जबकि बहुत सारे लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। अभी ये खा रहे हैं, अभी ये खा रहे हैं, अभी वो खा रहे हैं, अभी यहाँ भी खा लिया, वहाँ भी खा लिया। तो जीवन में एक अभूतपूर्व संदेश मेरे पिताश्री ने दिया था। अलीगढ़ शहर, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के वो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर हुआ करते थे। अलीगढ़ ज़िले में जितने भी प्राइमरी स्कूल या चिकित्सालय थे या पशु चिकित्सालय थे या सरकारी बिल्डिंग थी, तो उनकी आधारशिला उन्होंने ही रखी थी, उन्हीं के संरक्षण में उनको डेवलप किया गया था। तो ये अब तो बहुत पुरानी बात है, उनका साथ छूटे भी बहुत लंबा समय गुजर गया, बचपन में ही उनका साथ छूट गया था। तो उनकी बात दो तीन ही सलाह थी, बहुत काम आई जीवन में, हृदय से उनका अभिनंदन है। और नित्य प्रति मैं उनको प्रणाम अवश्य करता हूँ, उनके श्री चरणों में फूल अवश्य समर्पित करता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके समक्ष बन पाया हूँ। तो यहाँ मेरा इस बात को कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो जीवन में, जो समाज के काम आए, देश हित में काम आए। और साथ ही साथ अब बात करना चाहता हूँ, जीवन साथी के साथ झगड़ा करने का प्रयास ना करें, माता के साथ भी उलझने का प्रयास ना करें, माता के क्रोध से बचने का प्रयास करें। एक्सीडेंट की संभावना बन सकती है तो सावधान रहें वाहन चलाते समय। भाग्य में बैठे हुए राहु भी कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं इन दिनों, और इन दिनों के अभी तो वो 2021 तक बैठे रहेंगे, इसलिए मैंने उसके लिए पहले ही आपको उपाय बता दिया था। कार्यस्थल पर भी आपको पन्ना पहनने से बहुत लाभ होगा, नौकरी या व्यापार जो भी आप करते हैं। और आमदनी के लिए अगर कोई परेशानी आए तो दूध का तिलक माथे पर कर लेना, आपको लाभ मिलेगा। नित्य प्रति दूध का तिलक करके घर से निकलना, आपको लाभ होगा। वैसे तो भाग्य की देवता की अंगूठी आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। यहाँ मैं आपके प्रेम संबंधों की बात करूंगा तो आपके प्रेम संबंधों में नए नए संबंधों के जुड़ने की संभावना भी बनती नजर आ रही है। जो भी करें सोच समझ कर करें, अपने प्रेम संबंधों को कायम रखते हुए आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर ही करें। फिर भी अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो प्रेम संबंधों को लेकर, शादी ना हो पाने को लेकर, या प्रेम संबंधों में आ रही दरार को लेकर, या किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री को लेकर, या शादी ना हो पाने की वजह से, या माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे, तो आप बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। मैं अपने हस्बैंड उनके बारे में भी बताना चाहती हूँ। अशोक नगर कोटी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनका जॉब छूट गया था और कोई मार्ग कोई रास्ता नहीं था। 2 महीने वो बैठे भी थे, तो मैं उनको भी लेके आई गुरुजी के पास और मुझे सारी बातें बताई। तो गुरु माँ ने उनके लिए भी रिंग बना के दिया है और उन्हें भी पहने हुए 2 महीने हो गए, और 2 महीने का रिजल्ट यह है कि आज उनकी जो जॉब छूट गई थी, खुद उनके बॉस ने उनको बुलाया और वो जॉब उनको मिल गई है। तो हमें बहुत फायदा हुआ है यहाँ आके, और बहुत विश्वास है गुरुजी और माता रुक्मणी पे। जय शनि। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, परिवारजनों के साथ एक यात्रा की संभावना बनती नजर आ रही है, मगर उनके क्रोध से बचने का अवश्य प्रयास कर लेना। भाई बहनों की वजह से आपको नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू में सफलता या कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना मिल सकती है। उस सूचना का लाभ उठाकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। माता का आशीर्वाद लेते रहिएगा, माता का आशीर्वाद आपको जीवन में तरक्की के नए रास्ते की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ माता के आशीर्वाद की वजह से आपको किसी मकान की भी प्राप्ति हो सकती है या वाहन की प्राप्ति हो सकती है, किंतु गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना आपके लिए बेहद हानिकारक होगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखना। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते, तो बिना किसी जगह के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे चर्चा करें। और हमारे छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय जो साल में एक बार करना है, उस उपाय को करके गारंटी से, हमारी गारंटी है कि आपके हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे और आपका मन पढ़ाई लिखाई में अवश्य लगने लगेगा।
जीवन साथी आपके जीवन में खुशियां घोलने का भरपूर प्रयास करेंगे। भाग्य के देवता को अपना बनाने का प्रयास करिएगा। हालांकि माता का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन भाग्य के देवता जितना मजबूत होंगे, यानी पन्ना रत्न की अंगूठी, सीधा से शब्दों में बात करूं, और साथ में आपके राशि रत्न की अंगूठी, आप इन दोनों को अवश्य धारण करिए। निरंतर जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे और समय समय पर इनको बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली रत्न जो है वो 1-3 साल तक मैक्सिमम काम करता है, उपरत्न 1 साल काम करता है, उसके बाद नया ही बनवाना पड़ता है, इनको दोबारा से मंत्र सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रेम संबंधों की बात करूं तो प्रेम संबंधों में मजबूती लाने के लिए आप माता की सलाह ले सकते हैं, तो माता की सलाह लेकर आगे बढ़िए, नहीं तो वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठाइए। देर किस बात के लिए, यहां पर बात करूंगा वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपने ही क्रोध से बचने का प्रयास करें, कि यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, मन तो दुखेगा ही दुखेगा, सावधान रहे। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्यपति करना आपके जीवन में खुशियां लाएगा, भूतपूर्व खुशियां जीवन भर देता रहेगा, आप जीवन भर करते रहिएगा। मूंगे रत्न की अंगूठी आपको बेहद लाभ देगी, भाग्य के रत्न की अंगूठी के साथ या आमंदी की रत्न की अंगूठी के साथ अवश्य पहनिएगा, मंत्र सिद्ध कराकर ही पहनिएगा, वरना कोई काम नहीं करेगी। योगी व्यक्ति से नहीं तो आप हमारे यहाँ से मंत्र सिद्ध कराकर, अपने नाम की बनवाकर, अपने नाम से पूजा कराकर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर परिवारजन आपको लाभ पहुँचाने के लिए, नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट में मदद करने के लिए जी जान से आपका सहायता कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हो या फिर आपको कहीं नौकरी की समस्या आ रही है, वहाँ उनकी मदद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। जो भाई बहन है वो भी आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, माता का भी पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, किंतु जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, तो ऐसे सभी माता पिता ध्यान दें, अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता और वो 95% प्राप्त करने की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, तो हमारी मदद लेकर छोटी ही उम्र से उनको आगे बढ़ने दीजिए, ताकि आगे आने वाले कम्पिटिटिव जो कम्पटिशन का समय है, कि आज 95% वालों की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, ना के बराबर वैल्यू रह गई है, तो जो 70-80-50% 40% वाले हैं वो क्या करेंगे। तो ऐसे सभी स्टूडेंटों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनके करियर की तरफ धकेलने के लिए, उनको जीवन में कुछ कराने के लिए हम निश्चित रूप से कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे उनके भाग्य में वृद्धि हो, उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगे, और अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो करियर की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकें और अच्छी आमदनी कर सकें, तो उस सब में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप हमारी मदद लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, आपके जीवन साथी के साथ उलझने आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, फिर भी आप अपने परिवारजनों की मदद लेकर अपने जीवन में खुशियां घोल सकते हैं, और साथ ही साथ राहु महाराज का उपाय करना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा, क्योंकि राहु महाराज और केतु महाराज 2021 तक आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ भाग्य के देवता को कहीं कम से कम उनके तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला तो नेत्रपति करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। यहाँ आपके प्रेम संबंधों के में निश्चित रूप से खराबी आती हुई दिखाई दे रही है, अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके आप लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और जो दंपत्ति संतान नहीं प्राप्त कर सके हैं, 4-5 साल हो गए हैं शादी को, डॉक्टरों की दवा खा खा कर थक गए हैं, तो अब एक बार वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शरण में आए, वीडियो कॉल पर हमें अपनी जन्म कुंडली पर चर्चा करें हमारे साथ। अगर भगवान ने उनकी किस्मत में संतान का योग बनाया हुआ है, तो उनको संतान उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अवश्य प्राप्त हो सकती है, तो आप वीडियो कॉल पर चर्चा करके हमसे लाभ उठा सकते हैं, घर बैठे ही हमारी सलाह ले सकते हैं। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू में सफलता, कंप्लीट एग्जाम में सफलता की सूचना आपके आसपास घूम रही है, ग्रैब करने का प्रयास करिएगा। सिर पर विपरीत सेक्स के आकर्षण का जो भूत सवार हो रखा है उसके प्रति सावधान रहिएगा, आप कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। साथ ही साथ अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक क्रोध आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बृहस्पति देवता का, क्योंकि आप धनु राशि से हैं, तो धनु राशि के जो रतन हैं उसकी मंत्र सिद्ध अंगूठी अवश्य धारण करें, प्राण प्रतिष्ठा कराकर किसी योग्य विद्वान साधक से साधना करवाकर, या फिर आप हमारे यहाँ से घर बैठे मंगवा कर
लाभ उठा सकते हैं। अपने नाम की पूजा करवाकर, अपने साइज के अनुसार बनवाकर, सर्टिफिकेट के साथ, असली रत्न का सर्टिफिकेट साथ आएगा कि सर इस अंगूठी के अंदर ये रत्न लगा हुआ है, इसकी फोटो भी आएगी और सर्टिफिकेट भी साथ आएगा, जिसकी गारंटी हमारे यहाँ की होती है कि आपको अगर पुखराज बोला है तो असली पुखराज ही मिलेगा, नीलम बोला है तो असली नीलम की अंगूठी, या हीरा बोला है तो हीरे की अंगूठी ही प्राप्त होगी। हमारा शनि मंदिर इस बात की आपको गारंटी देता है कि हमारे यहाँ से कोई गलत कमिटमेंट करने का कभी भी कोई प्रयास नहीं होता। कई बार कुछ लोगों को फायदा होने में थोड़ी देर हो सकती है, वो उसके पीछे भी जो कारण होता है वो आपके ग्रह होते हैं। आपके ग्रह इतने खराब होते हैं कि उनको ठीक करने में समय लगता है। तो पहले तो जो गड्ढे हो जाते हैं जीवन में, उन गड्ढों को भरा जाता है, तब तो जाके नई इमारत खड़ी होगी ना। पहले तो आप इतने नेगेटिव हो रखे हो, नेगेटिविटी को दूर किया जाएगा ग्रहों के माध्यम से। तो जब वो नेगेटिविटी दूर होगी तभी तो आप पॉजिटिव की तरफ पढ़ पाएंगे आगे। आप सोचते हैं कि मतलब अभी मैंने कुछ पहन लिया, अभी मेरी कोई लॉटरी लग जाएगी या कोई थोड़ा फायदा हो जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है। हाँ, अगर आपको मतलब ग्रह इतने खराब नहीं है, मामूली सा सपोर्ट की जरूरत है तो जल्दी फायदा हो जाएगा, तुरंत भी हो जाएगा। हमने सुबह उपाय किया, शाम को उसका काम हो गया। एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी 32 साल से शादी नहीं हो रही थी, ईस्ट पटेल नगर में बहुत बड़ी कोठी का मालिक है वो, इकलौता लड़का, कोई दोष नहीं, कोई गलत ऐब नहीं, कार्य अच्छा खासा व्यापार कर रहा था, अच्छा खासा सुंदर, मगर शादी नहीं हो रही थी। ग्रह देखे तो पता चला मामूली मामूली अड़चन, 2-3 ग्रह दे रहे। हमने उनसे संबंधित रत्नों की अंगूठियां मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कर पहना दी। सुबह अंगूठी पहन के गया, शाम को फोन आता है, गुरुजी आपने क्या चमत्कार किया, मेरा तो आज रूखा हो गया, कहां तो मैं 5-6 साल से शादी नहीं हो रही थी, मैं तो तंग आ गया था, सोच रहा था शादी ही नहीं करूंगा। कि हर एक को ये रिजेक्ट कर देता, क्या कमी है मेरे अंदर, करोड़ों की मेरी प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा सुंदर हूं मैं, कोई मुझे दारू शराब गुटके का शौक नहीं है, कोई नशे का शौक नहीं है, फिर भी शादी नहीं हो रही। तो अब आप ही लोग बताइए, जिस व्यक्ति को 15-16 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो, इकलौता वारिस हो, दारू शराब सिगरेट का कोई शौक ना हो, कार्य कर रहा हो, व्यापार करता हो, उस अच्छी खासी आमदनी कमाता हो, रेंटल इनकम अच्छी खासी हो, घर में कोई कमी ना हो, फिर क्यों शादी नहीं होती। कहीं ना कहीं कुछ ग्रह खराब होते हैं, आप उन ग्रहों को ठीक कर दीजिए। अगर कम ग्रह खराब है तो तुरंत काम हो जाएगा, ग्रह बहुत ज्यादा खराब है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर धीमे धीमे वो गड्ढे भरेंगे आपकी जीवन में, नेगेटिविटी दूर होती होते 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 फिर पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, अंततः आपके सारे काम, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सुख शांति और सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। तो साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपके एजुकेशन में स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई में मन लगाने में समर्थ हैं इस समय, निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, तो इस सूचना का लाभ उठाएं। किंतु जिनको बार बार सरकारी नौकरी के प्रयासों के बाद नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो बिना किसी झिझक के हमसे चर्चा करके जन्म कुंडली दिखाकर लाभ उठा सकते हैं, अवश्य हम आपकी मदद करेंगे वीडियो कॉल के माध्यम से। यहाँ पर आपका जो भाग्य के देवता हैं वो निश्चित ही आपके सिर पर बैठकर आप पर मेहरबान हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए और सरकारी नौकरी की तरफ तेजी से आगे बढ़िए। यहाँ पर जो कर्म के देवता हैं उनका आशीर्वाद भी परिवारजनों के साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो परिवारजनों के आशीर्वाद से आप अपनी नौकरी और व्यापार में तरक्की करने की प्रयास करिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। अनावश्यक झगड़ों से बचने का और अनावश्यक यात्रा पर जाने से आपके मन को दुखी होना पड़ सकता है, सावधान रहें। प्रेम संबंधों में अभूतपूर्व सफलता और खुशियां प्राप्त हो सकती हैं, उनका लाभ उठाएं और अपने प्रेम संबंधों को शादी की में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करें। तो जो युवक युवतियां शादी ना हो पाने की वजह से परेशान हैं, रिश्ते वाले आते हैं मगर रिजेक्ट करके चले जाते हैं, तो ऐसी सभी केसेज में एक या एक से कहीं ज्यादा ग्रह परेशान कर रहे होते हैं, तो उन ग्रहों का उपाय करना बहुत जरूरी है।
उन सभी ग्रहों का जब उपाय होगा तो अपने आप ही आपके रास्ते साफ हो जाएंगे और आप शादी का लड्डू खा सकेंगे। वरना तो अभी जस्ट अभी मेरी अमेरिका में न्यू जर्सी से किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात हो रही थी। देखिए बात कितनी गहराई तक जाती है। 37 साल उम्र है, कोलकाता का रहने वाला बंदा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता होगा अमेरिका में, तो मगर शादी नहीं हो पा रही है। क्यों? कहीं ना कहीं ग्रहों की परेशानियां हैं। जब ग्रह देखे तो पता चला चार चार ग्रह उसके शादी के रास्ते में अड़चन बने हुए हैं। पंडित जी से पूछोगे किसी से जाकर जिन्होंने इस बार जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं है देखने का, वो कहेंगे बस बृहस्पति देवता के व्रत रख लो शादी हो जाएगी, सोमवार के व्रत रख लो शादी हो जाएगी, भगवान शिव पे जल चढ़ाते रहो शादी हो जाएगी। मगर हकीकत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ग्रह परेशान कर रहे हैं पहले उनका उपाय कर लो, आपकी शादी हो जाएगी। सच्चे हृदय से बृहस्पति देवता का तो हर एक किसी को पूजा करनी चाहिए, तांत्रिक बीज मंत्र की बहुत जल्दी फल देती है, विधि विधान के साथ करेंगे। आजकल तो वैसे ही हम सबके बृहस्पति देवता नीच के भाव में चल रहे हैं, तो अगर हम तांत्रिक बीज मंत्रों से उनकी नित्य प्रति पूजा करेंगे तो उनका आशीर्वाद ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। 15-20 मिनट लगते हैं पूजा करने में, ज्यादा नहीं, समय नहीं लग चाहिए, विधि विधान से करिए। विधि विधान नहीं है तो आप ईमेल के माध्यम से घर बैठे हमसे ले सकते हैं, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। यहां मैं बात करना चाहता हूं मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपके सिर पर बैठे हुए शनिदेव महाराज मेहरबान है, मगर बृहस्पति देवता परेशान है, तो बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की माला तो आप भी करिएगा विधि विधान के साथ। नीलम की अंगूठी सदैव पहनिए, सदैव फायदा होगा। मंगल देवता की सदैव आप चरण पकड़ के रखिएगा, यानी उनकी भी अंगूठी पहन लीजिएगा। भाग्य के रतन की अंगूठी यानी पन्ने की अंगूठी के साथ आप बड़ी सी बड़ी परेशानियों को चुटकी बजाते सॉल्व कर देंगे। जिंदगी में सुख शांति सौभाग्य की निरंतर प्राप्ति करते रहेंगे, बशर्ते ये रत्नों की जो अंगूठियाँ हैं मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर धारण करें, अपने नाम की पूजा कराकर धारण करें और हर समय उनको बदलते रहें। हर समय मन से जब उनकी उम्र खत्म हो जाए, भाई आप कपड़े भी पहनते हैं, इनकी भी तो उम्र है, घिस जाएंगे तो खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे ही मंत्रों की भी एक सीमा है। तो जब रत्नों की अंगूठियाँ 3 साल तक चलती हैं, असली रत्नों की, उपरत्न की अंगूठी 1 साल, तो इसके तुरंत बाद इनको बदलिए, नया बनवाइए, नया पहनिए, अवश्य बहुत फायदा करेंगे, यानी अगली तरक्की की सीढ़ी पे आ जाएंगे। पहली बार पहना था आप यहाँ आ गए यहाँ से निकलकर, अगली बार पहनेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, उसके अगली बार पहनेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, उसके अगली बार पहनेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे, बशर्ते कोई योग्य व्यक्ति इनको मंत्र सिद्ध करे, किसी योग्य व्यक्ति के निर्देशन में आप धारण करें। वरना तो ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर आप पैदा हो गए जिनको ये नहीं पता कौन सी उंगली में कौन सी अंगूठी पहनाई जाती है, पुखराज के साथ पन्ना पहना देते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजी पर घमंड करते हैं कि हम इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, पुखराज के साथ नीलम पहना देते हैं, पन्ने के साथ केतु पहना देते हैं, लहसनिया पहना देते हैं, घमंड करते हैं। केतु को उपाय में ऐसे ऐसे लाल किताब के महारथी हैं, केतु को लाल किताब का उपाय बताते हैं केतु के लिए कि हरे कपड़े में हरी मूंग बांध के केतु महाराज के पास रख दो। हमारे द्वारा जो नवग्रह की मूर्तियों की स्थापना कराई गई थी वहां पर हमने जब देखा एक व्यक्ति को लगातार ये करते हुए तो हमने पूछा ये क्या कर रहे हो आप, केतु के आगे बुद्ध देवता को, बुद्ध देवता को क्यों मारना चाहते हो, बुद्ध देवता आपके आपकी बुद्धि के, आपके व्यापार के, आपके धन के कारक है। कहता है मेरे को तो पंडित जी ने बोला था। मैंने कहा ये पंडित जी जरूर दरिद्र ब्राह्मण होंगे, इन्हीं के बारे में कहा जाता है, एक गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था, क्योंकि सीखने की तो कोशिश करते ही नहीं है, किस बात का अहंकार होता है समझ में ही नहीं आता। अरे ज्ञान बांटो, अज्ञानता क्यों फैला रहे हो, क्यों आप बुद्ध को मारना चाहते हो, ऐसे उपाय क्यों देते हो जो उससे किसी की हानि हो, वो अपना ही सर्वनाश अपने हाथों से कर ले। ऐसे ढोंगी पाखंडी और अज्ञानी मूर्खों से चाहे वो मंदिर में ही क्यों ना बैठते हो सावधान रहिएगा। और
यहाँ बात करते हैं, माता का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, साथ ही साथ एक संभावना है आपके लिए। अगर आप अपना मकान या वाहन के सिलसिले में कुछ नया करना चाहते हैं तो कर डालिए। इस समय संयोग बना हुआ है, मकान या वाहन से संबंधित कुछ नया कर सकते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट है उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, मकर राशि वाले सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कैसे कैरियर बनाएंगे। माता पिता भी सचेत रहें, 1 सवा साल तक उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधा आ जाएगी, तो योग्य व्यक्ति से परामर्श करके उनको एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करें। चाहें तो आप वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके पूरी दुनिया में घर बैठे लाभ उठा सकते हैं, गारंटी से फायदा होगा। पढ़ाई लिखाई के मसले में हम लिख के दे देंगे आपको कि आपको अवश्य फायदा होगा और हमारे लिखे को कोई नहीं काट पाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। आपका जीवन साथी आपकी आमदनी को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, लेकिन निश्चित रूप से आपके जीवन साथी का मन दुखा रहेगा। किंतु जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनकी शादी होने की संभावना खराब होती हुई नजर आ रही है। भाग्य को मजबूत करने के लिए भाग्य रत्न की अंगूठी हम पहले ही आपको सजेस्ट कर चुके हैं। और यहाँ जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको निराशा का सामना करना पड़ेगा, सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रेम संबंधों में भी आपको बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक। अगर ज़्यादा परेशानी होने पर बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं, अपने प्रेम संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, उनको शादी की तरफ ले जा सकते हैं, या अपने रूठे हुए घर वालों को जो शादी ना नहीं चाहते कि आपकी शादी उस व्यक्ति से हो तो उन घर वालों को मना भी सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहता हूं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों, आपके ग्रह बृहस्पति और शनि दोनों ही खराब है, कुछ उपाय कर लें। बृहस्पति देवता के लिए तांत्रिक बीज मंत्रों की माला, शनि देव जी के लिए नीलम की अंगूठी, भाग्य के रत्न यानी शुक्र देवता की अंगूठी और के साथ जरूर धारण करें, अवश्य लाभ होगा। बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की माला नेत्रपति करना भी आपकी आमदनी में वृद्धि प्रदान करेगा। ये सदैव के लिए है। ये तांत्रिक पद बीज मंत्रों की एक माला की जो विधि विधान की पूजा 20-1 मिनट का समय लेती है, आप नेतिपति करें अवश्य लाभ होगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ परिवारजनों के साथ झगड़ा करने का प्रयास ना करें, वरना तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। भाई बहन हर हालत में आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। माता का से कुछ उलझने हो सकती हैं, सावधान रहें। जो स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है, नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू, इंटरव्यू में सफलता, कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता जैसी सूचना प्राप्त होकर आपको लाभान्वित कर सकती है। इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। साथ ही साथ बात करता हूँ आपके जीवन साथी की बात, तो आपका जीवन साथी आपके जीवन में खुशियाँ घोलेगा, आपकी आमदनी में वृद्धि कराने के लिए या सरकारी नौकरी दिलाने के लिए आपको जी जान से मदद करेगा। किंतु जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनको भी शादी होने के चांस शीघ्रता शीघ्र बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस समय का लाभ उठाकर अपनी शादी के लड्डू खाने का प्रयास करें। फिर भी कोई अड़चन आ रही है तो वीडियो कॉल पर चर्चा करो ना, हम आपके साथ बैठे मदद करने के लिए। यहां पर बात करते हैं आपके भाग्य के देवता की, तो भाग्य के देवता अगर आपके ऊपर मेहरबान बने रहेंगे तो सदैव आप पहलवान बने रहेंगे। कहते हैं ना भाग्य मेहरबान तो गधा भी पहलवान, तो आप अपने आप को सदैव मजबूत करके रखिएगा, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में अगर कोई अड़चन आ रही है तो उनको मजबूत करने के लिए, क्योंकि अड़चन तो आएगी आएगी इस समय पर आपको, तो अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहता हूँ मीन राशि वाले व्यक्तियों की। मीन राशि वाले व्यक्ति आपके अपने ही बृहस्पति देवता खराब होने की वजह से, नीच के होने की वजह से आपको लाभ नहीं दे पा रहे। बृहस्पति देवता यानी पुखराज के मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत की हुई अंगूठी मंगल देवता के रत्न की अंगूठी के साथ अवश्य धारण करें। ये मंत्र सिद्ध अंगूठी आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तित कर देती है। जो लोग लोन और कर्जों से परेशान हैं वो भगवान शनिदेव को मनाने का प्रयास करें, उसके लिए वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं और रत्नों की अंगूठियों को घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। परिवारजन फुल टू फुल मदद करते आ रहे नजर आ रहे हैं, किंतु भाई बहनों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। माता भी आपकी आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकती हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहें। और जो भाग्य की वजह से कोई यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी निश्चित ही आपकी आमदनी में वृद्धि प्रदान कर सकते हैं, तो उनका साथ लेकर अपनी आमदनी में वृद्धि प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। कोई नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू, इंटरव्यू में सफलता, कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, इस संभावना को पकड़ने का प्रयास करिएगा।
कहीं हाथ से स्लिप ना कर जाए ये सरकारी नौकरी का मौका। जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी ना मिल पाने से निराश है, बिना किसी चेक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल पर चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं आपका मन दुखता हुआ नजर आ रहा है, तो अपने मन को दुखी होने से बचाने का प्रयास करिएगा। फिर भी कोई ज़्यादा परेशानी हो रही है तो अपने प्रेम संबंधों में आ रही किसी भी परेशानी के बारे में हमसे बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर चर्चा करके आप लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आप घर बैठे उससे संबंधित उपाय जरूरत पड़ने पर हमारे यहां से प्राप्त कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं हमारे यहां से। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात करूंगा नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।